बिल हमारे ये देंगे, आज बहुत खर्चा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमारे गांव में वहाँ पर शादी थी तो हम सब वहीं जा रहे हैं। हमारे कज़न का कॉल आया था खाने की तैयारी करने की, तो हम हमारे खाने की तैयारी के लिए हम सब भाई लोग वहीं जा रहे हैं। तो जाते हैं और उनकी दावत में शरीक होते हैं। और तो हम सब भाई लोग गांव से रवाना हो चुके हैं, तो अब कुछ ही देर में उनके घर पहुंचने वाले हैं। उनका घर गांव से थोड़ा ही दूर है। सभी भाई ट्रैक्टर पे मजे ले रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो शादी वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। हमारा काम था प्याज छीलने का, वो हमने पूरी तरह से पूरा कर दिया है। ये हमारे अंकल हैं गांव के, ये पुलाव की देख बनाएंगे। साथ में हमारे कज़न हैं जो उनकी मदद करवा रहे हैं। अब कुछ ही देर में देख तैयार हो जाएगी, फिर खाना खाते हैं। फल होते हैं जो गर्मी के मौसम में होते हैं खाने लायक। यहाँ पर आम के पेड़ तो नहीं है, मगर ये जाल का पेड़ है, इस पर ये फल उगते हैं, इन्हें खाते हैं। पहले के ज़माने में तो खूब खाते थे, अब इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो आज हम पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए इन फलों का जायका लेने आ चुके हैं। यहाँ पर दो कलर के होते हैं, एक होते हैं येलो और एक होता है रेड। भाई वो रेड चेक करें, मैं ये येलो चेक कर रहा हूँ। इनमें से दो जो भी मीठे हुए वही खाएंगे। मुझे ये बढ़िया नहीं लग रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ भाई की जात पर, वहाँ पे अगर उस पर अगर बढ़िया तो वहीं पे चेक करें। पूरा पेड़ इन फलों से लदा पड़ा है, छोटे पे हैं, बेर टाइप दिखते हैं। लोकल भाषा में से क्या कहते हैं, पीलू, हिंदी में बताने क्या कहते हैं। मिनी एप्पल ऑफ राजस्थान, जैसे कश्मीर में आज सेब उगते हैं वैसे ही ये यहाँ पर हमारी ये मिनी एप्पल है। बिल्कुल एप्पल से कम नहीं है ये हमारे लिए। अब ये फल खाते हैं और मजे करते हैं, तब तक खाना तैयार हो। पहले खाने के बाद आइसक्रीम वाले भाई, आइसक्रीम नहीं गुल्फी है। तो इम्तियाज की तरफ से हम सबको पार्टी दी जा रही है। अरे चोको बार कौन सी है भैया? गुल्फी पार्टी। एक पसंद आए तो दूसरी ट्राई कर रहे हैं। हमारे ये देंगे, आज बहुत खर्चा कर रहे हैं। आप दुआ करो कि इनकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। शादी हो चुकी है। गांव से जो बड़े आए थे वो खाना खा रहे हैं अंदर, अब हम खा रहेंगे खाना। खाना खा के फारिग हो चुके हैं। अब भाई लोग जो हमें खाना खिला रहे थे वो भी खाना खा रहे हैं। बचे हुए चावल इन घरों में दे देंगे, ये यूज ले लेंगे, खाना खा लेंगे। अब हम जा रहे हैं, बस हम खाना खा के फिर हम जाएंगे घर पर। ये जो देख ले आए थे ये इनके कुछ बर्तन में खाली करके, में चावल छाछ पानी की बोतल, खाना खा लिया है। अब जा रहे हैं घर पर। गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, गांव की गाड़ी खड़ी है तो उसमें जाएंगे। जिस गाड़ी में आज ट्रैक्टर उसमें थोड़ा सामान ज़्यादा था तो हम सब उसमें जा रहे हैं, वो गाड़ी खाली थी, आगे इंतजार कर रहे हैं। रवाना होने वाले हैं, गाड़ी में चढ़ चुके हैं हम। चार पाँच कजन लोग बाहर बैठे हैं, कुछ कजन लोग अंदर बैठे हैं, ऐसी का मजा ले रहे हैं। हमने काफ़ी दिन रमजान के अंदर ऐसे ही खूब मजा ले लिया, आज हम कुदरत की हवा का मजा लेते हैं। टीचर है, उनका फार्म है, खजूर के पौधे लगाए हुए हैं, साथ में अनार के भी हैं। ब्यूटीफुल नजारा। अब बस गांव पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, 1 या 1.5 किलोमीटर गांव है दूर। तो
फाइनली गांव में पहुंच चुके हैं। ए मशरूम, अब सब कजन लोग अपने अपने काम जा रहे हैं, वो खेत जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, हम जाएंगे अभी मस्जिद, जोर की नमाज अदा करेंगे। टाइम हो गया तो नमाज जोर अदा करेंगे, फिर जाएंगे घर पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। पूरा आसमान काले काले बादलों से घिर चुका, आप देख सकते हो माशाल्लाह क्या मौसम है। आज लगभग बारिश हो सकती है, चांसेस हैं बारिश के, रात को तो नहीं होती। अभी पूरा आसमान काले काले बादलों से भरा हुआ है। आज अगर बरसात आ जाती तो एकदम दो चार दिन की गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। शुरू हो चुकी है ठंडी ठंडी आवाज़ लग रही है, माहौल में ठंडक ठंडक फैल चुकी है बरसात के कारण। दो चार दिन की जो गर्मी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अभी भी बरसात चालू। अभी हम आ चुके हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर से आपको बरसात का व्यू दिखा देता हूँ। एकदम तगड़े वाला सुहाना मौसम हो चुका है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बारिश की बूंदें गिर रही है, बारिश थोड़ी तेज तेज हो रही है, तो अब जाते हैं नीचे और बारिश का नीचे से आनंद लेते हैं। तो बारिश बंद होने के बाद सभी लौंडे अपने अपने घर से निकलते हुए, बरसात के समय कोई भी नहीं दिख रहा था, अब सभी निकल चुके हैं। अभी क्रिकेट खेलने की तैयारी हो रही है, बैट बॉल लेके जा रहे हैं मैदान में, मगर वहाँ पे ग्राउंड में एक गाड़ी खड़ी है, तो या तो आज थोड़ा नीचे जाएंगे या फिर हॉस्पिटल के जो ग्राउंड है वहीं पे खेलेंगे। हमारे अश्विन अन्ना प्रैक्टिस कर रहे हैं गुगली की, मगर उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो अभी बजने वाले हैं शाम के 7:30, बरसात बंद हो चुकी है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।